नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेन्दु प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण प्रदेश में कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। नालंदा जिले के नगरनौसा थाना के हाजत में स्थानीय जदयू नेता की मौत के बाद थानाध्यक्ष और दारोगा को निलंबित कर हिरासत में लिया गया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, बिहार में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत दूसरे चरण में 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। समाचार विस्तार से। प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में पिछले 5 दिनों के दौरान भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बाढ़ के पानी के फैलने से कई स्थानों पर डायवर्जन टूटने से वाहनों का आवागमन बाधित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंडों में पटरियों पर पानी भरने के कारण रेल परिचालन स्थगित है। इस मार्ग पर लंबी दूरी की कई ट्रेनों का परिचालन दूसरे स्टेशनों से होकर किया जा रहा है। वहीं दरभंगा रक्सौल रेलखंड पर बैरगनिया के पास पटरी पर पानी चढ़ जाने के कारण दरभंगा से बैरगनिया के बीच ही ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड में पीपा पुल तेज धार में बह गया है। इसके कारण लगभग 2 लाख की आबादी का संपर्क मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों से कट गया है। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड के बेलवा घाट के पास जल भराव के कारण मोतिहारी शिवहर सड़क संपर्क भंग हो गया है। वहीं ढाका प्रखंड के फुलवरिया घाट पर लाल बकेया नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद सड़क संपर्क भंग हो गया है। बागमती नदी का पानी देवापुर और जेहुली के निचले इलाके में प्रवेश करने लगा है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। जलस्तर में वृद्धि के कारण तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। सुरक्षा को लेकर सभी तटबंधों पर गृह रक्षकों की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी रमण कुमार ने सभी SDO, BDO और अंचल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की टीम लगातार बांधों का निरीक्षण कर रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक 36 सेंटीमीटर बारिश पूर्वी चंपारण जिले के लालबगिया घाट में दर्ज की गई है। मोतिहारी और मीनापुर में 28-28, महाराजगंज और तैयबपुर में 26-26, साहेबगंज में 23, गोपालगंज में 19 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीवान, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए कल तक सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में पठन पाठन स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर दरभंगा और समस्तीपुर जिले के विभिन्न भागों में रात से ही भारी बारिश हो रही है। शहर के कई निचले हिस्सों में जल जमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर सीतामढ़ी जिले के परसौनी थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में तेज बारिश के कारण घर का छज्जा गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नदियों के जलस्तर और बांधों की स्थिति पर अधिकारियों को निगरानी रखने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के बीच किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आपस में समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार, जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नालंदा जिले के नगरनौसा थाने की हाजत में जदयू के स्थानीय नेता गणेश रविदास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में थानाध्यक्ष और दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जाता है कि गणेश रविदास को अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर थाने में रखा गया था। उसने थाने के शौचालय में फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने नगरनौसा थाने का घेराव कर पथराव कर दिया। पथराव में कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। वहीं पुलिस लाठीचार्ज के कारण कई ग्रामीण घायल हो गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में आसपास से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दो चरणों में देश में 82 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में 20 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 58 जिलों की पहचान कर ली गई है, जिनका अनुमोदन केन्द्र सरकार ने कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि दूसरे चरण के लिए 8 राज्यों में 24 चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे, इनमें से 17 को मंजूरी भी दे दी गई है। जब पिछले 5 साल में जो देश भर में नए 2 फेजेस के अंदर 82 मेडिकल कॉलेजेस जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को परिवर्तित करके बनाने की योजना बनी, हमने वहां पर प्राथमिकता के तौर पर जो पहले 58 कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स से परिवर्तित होकर बनने थे उसमें 3 बिहार को, और बाद में सेकेंड फेज के अंदर 24 मेडिकल कॉलेजेस जो नए बनने थे उसमें 5 बिहार को, यानी 8 मेडिकल कॉलेजेस नए वो बिहार को देने की इसके अंदर हम लोगों ने योजना बनाई है। लोकसभा ने रेल मंत्रालय के लिए 2019-20 की अनुदान मांगें पारित कर दी हैं। अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सदन को आश्वासन दिया कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि इस वर्ष रेल यात्री सुरक्षा के लिए सरकार ने 5,640 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि 2009 में इस पर केवल 2,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। रेल मंत्री ने बताया, 5 वर्षों में विद्युतीकरण 3,038 रूट किलोमीटर हुआ, यानी अंदाजन 600 किलोमीटर हर साल। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 5 वर्षों में 13,687 किलोमीटर, यानी 4.5 गुना विद्युतीकरण हमने सिर्फ 5 वर्ष में करके दिखाया इनके निस्पत। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध दिमागी बुखार की बीमारी AES से बच्चों की हुई मौत को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष ने आज विधानसभा में उनका बहिष्कार किया। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से तारांकित प्रश्न पूछने के लिए सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने राजद के रविन्द्र सिंह का नाम पुकारा तो उन्होंने इनकार कर दिया। राजद के अन्य सदस्यों ने भी स्वास्थ्य मंत्री से प्रश्न नहीं किए। वहीं जब सत्ता पक्ष के अन्य सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे तब राजद और CPI माले के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना से 30 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। श्री कुमार ने विधानसभा में कहा कि पिछले माह से ही इस योजना की शुरुआत हो गई है और करीब 1 लाख लोगों को पेंशन मिलना भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी और अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के जवाब के दौरान हस्तक्षेप करते हुए सदन में यह जानकारी दी। राज्य सरकार ने आज कहा कि राज्य में शिक्षकों को पहचान पत्र शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षकों को राज्य सरकार पहचान पत्र उपलब्ध कराएगी। श्री मोदी ने कहा कि प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को निश्चित रूप से सरकार पहचान पत्र बनाने की दिशा में काम करेगी। सरकारी कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार हो रहा है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज जमानत दे दी है। श्री प्रसाद को चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत नहीं मिली है, जिसके कारण उन्हें अभी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। समस्तीपुर के सांसद रामचंद्र पासवान को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री पासवान का कल से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और कई अन्य सांसदों ने अस्पताल में उनसे मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। और अब अंत में मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सहरसा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण प्रदेश में कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। नालंदा जिले के नगरनौसा थाना के हाजत में स्थानीय जदयू नेता की मौत के बाद थानाध्यक्ष और दारोगा को निलंबित कर हिरासत में लिया गया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, बिहार में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत दूसरे चरण में 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।